प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे मुद्राओं की, हाथों से बनने वाली कुछ ऐसी ऐसी स्थितियाँ जो मतलब हमारे शरीर को लाभ करती हैं, वो मुद्राएं कहलाती हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, मानव जो शरीर है, वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ऐसे ही जो हमारा हाथ है और जो हमारी उंगलियां हैं हाथों की, वो हमारी 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती है, 5 एलिमेंट्स को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हमारा अंगूठा करता है अग्नि को और इसके साथ साथ ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, ये करती है वायु को। मध्यमा उंगली हमारी करती है आकाश को। और इसके साथ अनामिका उंगली जो हमारी, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, वो करती है हमारी पृथ्वी को इंडिकेटर। उसके साथ ये जो हमारी कनिष्ठ उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है, ये हमारे जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है, जल जल तत्व को दर्शाती है। तो जब हम इन हाथों की उंगलियों को किसी एक विशेष स्थिति में लेकर के जाते हैं, जिसमें 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स जिसमें इंक्लूड होते हैं, और वो हमारे शरीर पर या हमारे शरीर को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देते हैं, वो स्थिति मुद्राएं कहलाती है। ये कैसे होता है कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर आती हैं, वो एलिमेंट्स से आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, वो कोई एलिमेंट्स कम हो जाते हैं या कोई एलिमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, हमारे शरीर पर एक नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तो जब हम मुद्राएं करते हैं, इन मुद्राओं को करते हैं, तो जो एलिमेंट्स हमारा कम हुआ है, तो वो एलिमेंट्स हमारा पूरा होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का रक्षण करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हमारे शरीर को और ज्यादा मजबूत करता है। तो ये हमारे ऐसे शरीर पर काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की, इसकी एक मुद्रा में से ज्ञान मुद्रा की। तो ज्ञान मुद्रा के लिए हम क्या करते हैं कि ज्ञान मुद्रा के लिए हमें अपनी जो ये फिंगर है, तर्जनी, और हमारा अंगूठा, इन दोनों के टिप को ऐसे मिलाते हैं, और ऐसे मिलाने के बाद हम अपनी शेष उंगलियों को ऐसे सीधा रखते हैं और उनको अपने घुटने पर रख देते हैं, घुटनों पर स्थापित कर देते हैं। तो ये मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। तो इसको करने का क्या क्या कि इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको इसको करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखें कि एक तो आपका एक पद्मासन लगा हुआ हो, या सिद्धासन, सुखासन, या स्वस्तिक आसन आपका लगा हुआ हो, तो ज्यादा बेनिफिट करती है। और उसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो कमर है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, तो ये ज्यादा बेनिफिट करती है, ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होती है हमारे लिए, ज्यादा लाभ करती है। तो बात करते हैं कि इसमें सावधानी क्या क्या रखी जाए इसको करते हुए। तो इसको करते हुए कुछ सावधानियां हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम इस मुद्रा को करते हैं, तो इस मुद्रा को करने के दौरान हम एक तो सुपाच्य भोजन ले, अच्छा जल्दी पचने वाला भोजन ले, और सरल भोजन ले, जो बॉडी के अंदर जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी को पूरी एनर्जी दे। उसके साथ साथ क्या करें, जितना भी तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, अंडे, मांस, मछली, मदिरा, इन चीजों का सेवन, धूम्रपान, इन चीजों का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि ये क्या, देखो लाभ तो होगा हमें इसका, जब हम इसको करेंगे तो उसका लाभ होगा, डेफिनेट बात है। लेकिन कुछ चीजें इसको रोकती हैं, इसके लाभ को कम करती हैं। वो कम कैसे करती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे माइंड को कंसंट्रेशन बढ़ाती है, दिमाग को पावर को बढ़ाती है, मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाती है। लेकिन हम जैसे ही तामसिक भोजन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अपने आप ऑटोमेटिक कुंद हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो एक तरफ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी चीज की जो हमारे दिमाग को बढ़ाती है, हमारे दिमाग को मजबूत करती है, स्वस्थ करती है, और ऊपर से हम कुछ भोजन ऐसा कर रहे हैं जो हमारे शरीर को स्वतः ही कुंद कर रहा है, स्वतः ही बहुत प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ढीला कर रहा है, धीरे कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि वो दोनों एनर्जी एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो स्वास्थ्य में जो लाभ होना है, वो पूरी तरह से लाभ नहीं हो पाएगा, और स्वस्थ शरीर वैसे ही कमजोर का कमजोर बना रहेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें हम बचें उन चीजों से। ज्यादा चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि वो भी हमारी तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाती हैं। अब इसके बात करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो शारीरिक दृष्टि से अगर इसका लाभ देखें, तो इसका लाभ हमारी मानसिक स्थितियों को मजबूत करता है, और मानसिक स्थिति मजबूत होगी तो क्या होगा कि ऊपर वाला भाग, जितना भी ये हमारा पोर्शन है, इसमें जो भी दर्द रहता है, तनाव, खिंचाव, या स्ट्रेस, या जितनी भी जो चीजें हैं, वो सारी की सारी ये ठीक करता है। तो ये इतना काम हमारे शरीर के लिए करता है। उसके साथ करता है क्या कि ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति का विकास करता है, हमारी स्मृति मजबूत होती है, हमारी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक तो याद भी हम जल्दी करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं कि याद भी हमारे लंबे समय तक रहता है। तो ये हमारे शरीर के लिए, ये सॉरी हमारे मस्तिष्क के लिए इतना काम करता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि बहुत सारे चिकित्सकों ने ऐसे भी देखा कि जो हिस्टीरिया रोग होता है, उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, मानसिक तनाव पर यह बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारे मन के लिए, दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए, मस्तिष्क के लिए इतना काम करते हैं, हमारे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है। और मस्तिष्क शक्तिशाली होने से क्या होता है कि हम एक तो हमारी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता है,
और एक हमारी दिमागी क्षमता बढ़ती है, तो हम अच्छा सोच पाएंगे और उसको अच्छा कर पाएंगे। तो एक चीज हमारे एक एक आता है कि तन में मन शिव संकल्प समझते, कि शरीर को मतलब मेरे मन को शिव संकल्प वाला बनाओ, मजबूत संकल्प वाला बनाओ, क्योंकि जब मजबूत संकल्प होंगे तभी हम किसी एक 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 चीज में आगे बढ़ पाएंगे, एक लगातार बारंबारता का और धैर्य के साथ हमें एक चीज को कर पाएंगे और हम उसका फिर लाभ भी ले पाएंगे। तो जब हमें लाभ लेने की बात आती है तो क्या है कि हमारा मन भी संकल्प वाला हो, मजबूत संकल्प वाला हो, ऐसा संकल्प वाला जो कभी ना टूटे। तो जिसको भी मजबूत संकल्प करना है तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा करनी बहुत आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा लाभप्रद भी होगी। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रणाम। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।